Hello and welcome to the 21st episode of Mission and Mission. I am Aditya Yadav and you are watching The Social Indian. And we are heartily thankful to you all कि आप हमारे चैनल को इतना अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और जब आपको देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि हाँ भाई हमारा चैनल अच्छा जा रहा है, हमारे साथ जो लोग हैं वो अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और साथ ही साथ जब हम ये देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप हमें करेक्ट करते हैं, रेटिफाई करते हैं चीज़ों को, मटेरियल मांगते हैं हमसे, बार बार हमें मैसेजेस करते हैं, तो हमें लगता है कि जो लोग हमारे साथ हैं वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तैयारी अभी अच्छी चल रही होगी और जब मैं ये वीडियो बनाऊँगा आपको पहुँचाऊँगा तब तक आपको ये तैयारी आपकी अच्छी हो गई होगी। अगर आपकी तैयारी नहीं होती है तो ये लास्ट मिनट टिप्स हैं इंग्लिश के लिए जो आपको फोकस करनी चाहिए। बाकी इंग्लिश के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि सर इंग्लिश को कैसे टैकल करें, लास्ट मिनट टिप्स क्या हो सकती हैं, लास्ट मिनट कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है और किस किस चीज़ को लास्ट मिनट फोकस करें, उसके लिए ये वीडियो हमने बताई है। और एक मास्टर टिप आपको ज़रूर देंगे इस वीडियो के एंड में, जो मास्टर टिप आपको इंग्लिश में ज़रूर हेल्प करेगी और कोशिश करिएगा कि उसको फॉलो कर पाएँ। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 6 चीज़ों बनी होगी यहाँ पर। पहले होंगे आपके जंबल वर्ड सेंटेंसेस, दूसरे आएंगे इनकरेक्ट सेंटेंसेस जहाँ पे आपको बतानी होगी एरर, तीसरे आएंगे आपको एसेज वगैरह होंगे, पैसेजेस होंगे अनसीन, फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, फिर आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फिर आती है आपकी वोकैबुलरी। अब अगर आप वोकैबुलरी को देखेंगे तो सिनोनिम एंटोनिम 22% जो है वो वेटेज लेते हैं, वर्ड मीनिंग 5%, फिल इन द ब्लैंक्स के 28% क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है वो 19% कंसिस्ट करता है, तो 19% भी बहुत बड़ी मात्रा होती है। अगर आप पैसेज भी अच्छे से कर जाते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं साथ साथ। फिर जो छोटे मोटे हैं ऑड वन आउट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 8%, ऐसी चीज़ें भी आपके पास हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मेनली आपको फोकस करना है सिनोनिम एंटोनिम्स जो कि आपकी वोकैबुलरी, फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें आते हैं आर्टिकल प्रपोजिशंस, फिर आते हैं आपकी पैसेज। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपकी इस टाइम पे मेन है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इन तीन चीज़ों को तो छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि ये 60-70% इंग्लिश आपकी कवर कर रही हैं। और कोशिश कीजिए कि आप सारा सिलेबस कवर करके जाएं क्योंकि इंग्लिश में लोग जो है वो 70-75% क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने ही वाले हैं, तो आप भी करके आइए, लोगों के बराबर रहें, आगे बढ़ें, उनसे आगे निकलें, हम तो यही चाहेंगे। अब आप सब एक दूसरे से आगे निकलें, प्रतिस्पर्धा करें, हेल्दी कॉम्पिटिशन हो। अब कैसे किस किस सेक्शन को टैकल करना है उसके लिए मैं आपको लास्ट मिनट टिप्स ये दे सकता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो है कि आप जब भी पैसेज को पढ़ने लगें तो पैसेज के लिए आप क्या कीजिए, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए फिर आप उसके ऊपर पैसेज के ऊपर जाइए। लोग क्या करते हैं, पहले पैसेज पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन ढूंढते हैं तो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा, जब आप पहले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए। तो जब आपको यह पता है कि आपको पैसेज से क्या चाहिए तो आप इफेक्टिवली रीड कर सकते हैं और जल्दी रीड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा तो आपके क्वेश्चन जल्दी निकल जाएंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, आर्टिकल प्रपोजिशंस के लिए, इनके लिए मैं आपको कहूँगा कि आपकी ग्रामर थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर ग्रामर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आपकी नॉलेज अच्छी होगी। अगर आपके नहीं पढ़ते हैं ये सब तो उसके लिए मैं लास्ट मिनट टिप आपको देना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो एक ही तरह की चीज़ों को बार बार पूछा गया है। तो अगर आप पैटर्न को पकड़ लेते हैं कि पेपर वाले क्या पैटर्न पूछना चाहते हैं तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ें बढ़ा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हो जाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है एरर स्पॉट करने की। एरर स्पॉटिंग के लिए मैं मानता हूँ आपको जिगरा चाहिए, जिगरे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एरर स्पॉटिंग में दिक्कत ये आती है कि सब चीज़ें बराबर लगने लग जाती हैं, या तो नो एरर दिखने लग जाती है या फिर एरर जो होती हैं वो भी नहीं दिखती हैं। उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा सबसे पहले ही शी जेंडर वाली जो होती हैं वो वाली चीज़ें देखें, ही शी ही हर इसकी एरर देखें। उसके बाद जाएँ आप अगले स्टेप पर सिंगुलर प्लूरल वाली वो देखें एरर, उसके बाद टेंसेस को देखें, ऐसे जाएँ स्टेप वाइज जाएँ। अगर सेंटेंस को 4-5 बार पढ़ना पड़ जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एरर तभी निकल कर आएगी, आपका माइंड फोकस रहेगा, आपकी चीज़ें निकल कर आएंगी। सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी के लिए हम क्या कर सकते हैं सर लास्ट मिनट पे हम ये कर सकते हैं, गूगल करेंगे 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर मैंने जो ग्रुप में मटेरियल भेजा हुआ है उसे देख लीजिए, उसमें एंटोनिम सिनोनिम जहाँ पे दिए हुए तो उन्हें देखिएगा, उसमें जो हमने वर्ड दे रखे हैं जाने से पहले 2-3 बार उन्हें रिवाइज कर दीजिए। कोशिश कीजिए कोई बुक मिल जाती है वहाँ से आप देखिए सिनोनिम एंटोनिम जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जितने भी पूछे गए हैं उनको सबको अच्छे से कर लीजिए। सारे अब नहीं हो सकते हैं, समय कम है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना हो पाए उतना तो आप कर ही लें। अब जितना आप कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए क्या है। अब
इंग्लिश के लिए टिप ये है कि कोशिश कीजिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या कमज़ोर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये हमारी मास्टर टिप है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो वहाँ पर 60-70% प्रोबेबिलिटी आपकी वैसे बनी होती है कि अगर आपको हल्की फुल्की भी नॉलेज है इंग्लिश की तो आप वो क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करेंगे। बाकी सब्जेक्ट में क्या है, जैसे करंट अफेयर्स जीके हो गया, उसमें अगर आपको पूरा पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप पूरा चुक्का मार रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, एटलीस्ट आपके पास 40-50% नॉलेज है, जिससे आप 60-70 की प्रोबेबिलिटी बना के आप तुक्का मार रहे हैं या फिर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि बाकी सब्जेक्ट से मुकाबले इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे से लग सकते हैं। तो लगे रहिए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए, इस चीज़ पर फोकस कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मास्टर टिप तो हो गई ये, लेकिन इंग्लिश जो लोगों की कमज़ोर है, हौसला ना हारें। आपके जैसे कई लोग हैं जो फैकल्टी में आते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, हिंदी में भी लोग कन्वर्सेशन करते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर सभी अंग्रेज हैं, तो चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है, आप भी अंग्रेजी सीख जाएंगे, समय लगेगा। या तो शुद्ध हिंदी बोलें या शुद्ध अंग्रेजी बोलें, जो भी बोलें शुद्ध बोलें, अपनी भाषा पर गर्व करें, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी हमें एग्ज़ाम के लिए सीखनी है, पढ़नी है, अच्छी बात है। साथ ही साथ हिंदी को भी बढ़ावा दें, साथ ही साथ अंग्रेजी पर अपनी पकड़ अच्छी करें। अब इस वीडियो पे ज़्यादा समय ना खराब करते हुए यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे, और कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि आप अच्छे अंग्रेजी के पेपर अटैम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद।